आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 22वां दिन जो था ये अभी हम कट कर देते हैं। वैसे ये कट करना था हमारे को बहुत दिन पहले, पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हमने सोचा कि मोदी जी नया टास्क देंगे, पर मोदी जी ने कोई टास्क ही नहीं दिया। तो ये मोदी जी आपने गलत किया, मतलब हम बहुत दिन से दिल से इच्छा थी कि आपको टास्क देंगे और हम वो टास्क को पूरा करेंगे। आपको पता है कि मैं अब 15 मिनट तक नॉनस्टॉप ताली बजा सकता हूँ। मेरे को लगा था कि आप ताली वाला टास्क फिर से देंगे, पर इस बार आपने वो टास्क नहीं दिया। ये आपने बिल्कुल गलत कर दिया, ये मतलब मजा नहीं आया जी, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब टास्क तो जरूरी है। मैंने माचिस का इंतजाम भी कर लिया था कि अगर आप दिया जलाने के लिए बोलेंगे तो अपने पास माचिस है, दिया जलाएंगे। यानी कि अगर आप 11 तारीख को 12 तारीख को 12 मिनट के लिए देते तो हम दिया भी जलाते, पर आपने वो वाला टास्क भी नहीं दिया। आपके लिए हमने ना गाना उल्टा सीखा, कि क्या पता आप ऐसा आड़ा टेढ़ा टास्क दे दें। तो आपको पता है ओले ओले गाने को मैंने उल्टा गाना सीखा, आपको सुना देता हूँ। बजबी को कीड़ल खुदे रामे नदी नवादी ले बोले ओले 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 ओले। बट ये वाला टास्क भी नहीं दिया आपने। मैं बता रहा हूँ मोदी जी, अगर जिम वाला टास्क भी दे देंगे ना तो मोस्टली लोग इस टाइम पे जिम कर रहे हैं, आप सोचो इस बारे में। वैसे आप किचन का टास्क भी दे सकते थे, क्योंकि अभी सब लोग घर पर बैठ के खाना बना रहे हैं और मेरे को लग रहा है और मास्टर शेफ होएगा ना तो इस बार रोडीज से ज़्यादा लाइनें लगेंगी इस बार मास्टर शेफ के लिए। तो ये वाला टास्क भी दे सकते थे आप। मोदी जी प्लीज़ एक टास्क दे दो, मतलब मज़ा आएगा, मतलब लाइफ जीने में ऐसा ऐसा लग रहा है, मतलब अब कोई सोने का उठने का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं करने को। मतलब एक पहले ऐसा होता था कि एक दिन का इंतज़ार रहता था और हम सोचते थे कि हाँ उस दिन जाके हमारे को ये टास्क पूरा करना है, पर आपने कोई टास्क ही नहीं दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई टास्क तो प्लीज़ अमित शाह से पूछ लीजिए, उनके पास कोई ना कोई टास्क होएगा। तो आप मीटिंग बुलाइए, एक टास्क दीजिए अगली बार जब भी आएँ तो, एक टास्क तो बनता है। मतलब हम रेडी हैं, पूरी पब्लिक रेडी है, घर पर कोई तो ऐसी चीज़ होएगी कि जिसका इंतज़ार करके इतनी तारीख को ये करना है तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग है। बाकी हमारा जीवन बड़ा ही अटपटा सा चल रहा है, मतलब जीवन में कुछ क्या हो रहा है, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो पहले सुबह जल्दी उठने का सीन होता था, अब ऐसा लगता है कि उठ के करना क्या है, मतलब करना क्या है, इतने लेजी हो चुके हैं। मतलब सिर्फ उठ रहे हैं, खा रहे हैं, वापस सो रहे हैं, या कुछ वेब सीरीज देख लेते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। तो मतलब कोई ऐसा सीन बन नहीं रहा, मतलब कुछ ऐसी एक्साइटमेंट आ नहीं रही, शायद इसी वजह से हम कैमरा भी नहीं उठा पा रहे। तो हमने क्या सोचा कि लाइफ ऐसे तो इंटरेस्टिंग हो नहीं रही, मोदी जी ने टास्क दिया नहीं है, तो अब खुद कुछ ना कुछ करके लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। जब तक आप टास्क नहीं देते तब तक हम क्या कर सकते। तो इसलिए अब हमने सोचा कि लाइफ में जो हो रहा है उसको इंटरेस्टिंग वे में करते हैं, और बाकी तो नॉर्मली चल रहा है, पर फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वे में। तो आज सुबह हमने मस्की को नहलाया, अब शायद वो ड्राई हो गया होगा, सूख गया होगा, उससे मिलवाते हैं। और शायद नूर खाना बना रहा है, क्योंकि हमारे हाथ अभी ठीक हुए हैं, पर गीला नहीं करने दे रहा वो, तो ये अच्छी बात है। नूर खान, आज क्या बन रहा है मेन्यू में? ब्राउन राइस, वेजिटेबल ब्राउन राइस। ये हम कितने दिनों से लास्ट ब्राउन राइस ही खा रहे हैं तो भूल गया। अब तो मैं ये भी नहीं चेक करता नमक मसाला कितना डालना है, अब ये हाथों को अपने आप पता चल गया इतना ज्यादा। तू भी ऐसे करके नमक डालता है उस स्टाइल में? नहीं, वो अभी एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप, वो उस स्टाइल की जरूरत नहीं रही है। आज सुबह ना नूर ने हमारे को बनाना शेक पिलाया, और वो जो बनाना शेक जैसे होता है ना कि हम गोलगप्पे खाते हैं तो अलग अलग जगह पर नसों पर जाके टेस्ट फील होता है, वैसे आज बनाना शेक पिया इतने दिनों के बाद ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन कौन से टेस्ट वाली जगह पर जाके वो फील हो गया। बहुत दिन से हम ब्राउन राइस ही खा रहे हैं। वैसे हमने सोचा था अभी कल परसों हम बात करते हैं, यार बीच में एक आधा दिन पराठे वराठे भी हो जाए, चिकन हमारी साइड में मिल नहीं रहा। वो चिकन की क्या, अपन थोड़ा हाथ पैसे नहीं मार रहे हैं। हाँ, यानी कि चिकन और दारू के लिए हम ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अंडे और ब्राउन राइस पे एडजस्ट कर रहे हैं। आजकल जीवन में जो चल रहा है ना वो सिर्फ दो ही चीज़ें चल रही हैं, वो है खाना और फिर सोना। खाना खाओ और फिर सो जाओ, और फिर उठो फिर अगले खाने की तैयारी करनी शुरू कर दो। तो यही जीवन चल रहा है। अभी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। मैं नहीं सोने गया हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट उठा हूँ सच में। मतलब आजकल मैंने क्या सोचा है कि मैं सुबह उठते ही, हमारी आदत हो चुकी है मोबाइल को देखने की, तो मैं आजकल ना सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता। मैं सोचता हूँ कि मोबाइल नहीं देखना, और मोबाइल नहीं देखता हूँ इस चक्कर में टाइम का नहीं पता लगता। तो पहले मैं उठ जाता था 8-9 बजे, आजकल 9 से 11 होने लग गए, कल परसों में तो 12:30 हो गए थे। तो टाइम का कोई लेना देना रहा नहीं अब लाइफ में, अब तो रोज़ ही संडे है। मतलब आप सोचते रहो, आप जब सोचोगे ना कि संडे है तो आपको ऐसा लगेगा अरे आज संडे है, ओहो। मतलब आप सोच के ऐसे घर पर ही ना सैटरडे को थोड़ा जूस वूस पी के और सैटरडे नाइट मना लेनी चाहिए, बाकी तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। शायद ये अभी काफ़ी दिन चलेगा, पर जीवन यही चल रहा है।
खाना और सोना। आपके साथ कभी हुआ है क्या आपको कि आप चुपचाप बैठे हो, ऐसे नींद आई है और आपको उठा के बेड तक ले गई है, आपको लेटाया है और रात हो गई है? यही हुआ है मेरे साथ पिछले 2 घंटों से। नींद ने जो मेरे को टॉर्चर करके सुलाया है ना, रब रखा हो गया मेरा। मतलब जब मैं आपसे लास्ट बात कर रहा था तब दिन था, अब रात हो गई है, 8 बज गए। हुआ तो बताना जरूर कमेंट करके, बाकी मैं होश में आता हूँ तब बात करता हूँ आपसे। हमारा चल रहा है ब्रेकिंग बैड और इसने ना इस तरीके से अटका रखा है, मनी हाइस्ट के तरीके से नहीं है, क्योंकि मनी हाइस्ट में बहुत स्पीड थी, ब्रेकिंग बैड जो है वो थोड़ा ईजी चल रहा है, पर ऐसा है कि उसने अटका रखा है। हम 2 दिन से लास्ट दूसरा सीज़न ख़त्म किया, तीसरा सीज़न ख़त्म किया और 4th सीज़न पे आ गए, और ये सोच लो कि 13 एपिसोड हैं वो भी 45-45 मिनट के, फिर भी हम अटके हुए हैं उस पर, गेम कर रखा है। इसी चक्कर में ना हम सुबह उठते हैं, 1 एपिसोड देख लें, दूसरा एपिसोड देख लें, और फिर वो ख़त्म नहीं होता, फिर तीसरा चौथा ऐसे चलता जा रहा है। तो लाइफ शायद ना ये वाली चेयर पर ही सेट हो गई है, बहुत ही गड़बड़ है। अभी एपिसोड ख़त्म कर ले फिर बात करते हैं। तो जी रात के बज गए 1, समझ रहे हो, 1 बजे तक हमारे को वो शो ने ऐसा अटका के रखा है कि हम हिल नहीं पा रहे थे। 1 एपिसोड ख़त्म हो रहा, दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरा ऐसा करते हुए, मतलब खाने पीने का होश नहीं रहा। आई नो पीने का होश तो अभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि पीने को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए सिर्फ खाने का होश है। और खाना भी जो है वो ब्राउन राइस है, और ब्राउन राइस खा कर के थोड़े से बोर हो गए, मतलब कल हम चाहेंगे थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि थोड़ा जीप भी हमारी चटकोरे ले ले यार, थक गए हैं। और वैसे हमने सुना है कि जहाँ जहाँ पर या तो ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, वहाँ वहाँ पर कुछ शॉप्स खुल जाएंगी, तो आई होप कुछ चिकन विकन का कुछ तो इंटरेस्टिंग खुले, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सामान लेके आ सकें और थोड़ा हमारा खाने का टेस्ट बदले, मतलब तो ठीक है, अब बस खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे। और वैसे मेरे को एक चीज़ फील हो रही थी कि ना, इतने दिन के बाद कैमरा उठा रहा हूँ ना, तो ऐसे फील हो रहा है जैसे थोड़ा सा लेज़ी हो गया हूँ, मतलब बात करने में या कैमरे से बात करने में या खुद कैमरा उठाने में, ऐसे मतलब ऐसे ठीक है थोड़ा सा एपिसोड और देख लेता हूँ, ऐसे यहाँ पर सो लेता हूँ, थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ा सा पी लेता हूँ, तो ऐसा सीन चल रहा है। बट अब हम ट्राई करेंगे कि मोस्टली कैमरा उठाते रहें, नहीं तो हमारा जो रिश्ता बना है उसके बीच में दरार नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं वो तो दिखाते रहेंगे, मोस्टली 1 या 2 दिन हो सका तो अगले दिन, तो जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा हम रेगुलर वे में आपके साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे। गो कोरोना, समझे? चलो जी, उन तुम अपना ख्याल रखो, असी भी अपना ख्याल रखेंगे। चंगा फिर, रब रखा। जाते जाते ये अपडेट, ब्राउन राइस के साथ नूर ने कुछ ऑमलेट बनाया है, फाइनली कुछ टेस्ट आएगा।